स्टूडेंट्स, हम सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं और हम इसमें डिफरेंट बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम मजीद बेसिक रेडिकल्स देखेंगे। दो और बेसिक रेडिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमें सॉल्ट प्रोवाइड किया गया, व्हाइट कलर का सॉल्ट था, तो हमें फौरन से पता चल गया कि कलर इम्पॉर्टिंग बेसिक रेडिकल्स सारे एबसेंट हैं। देन हमने इसको स्मेल किया, हमें इसकी ओडोर हमने देखा, ओडोरलेस है, तो हमें पता चला कि जो अमोनियम आयन है एज बेसिक रेडिकल, क्योंकि अमोनिकल स्मेल नहीं थी इसमें, तो इसलिए वो भी एबसेंट था, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया इस तरह से, यहाँ पे इसको मैंशन कर दिया अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में। उसके बाद हमने क्या किया, ड्राई टेस्ट किया बेसिक रेडिकल के लिए। टेस्ट नंबर वन फ्लेम टेस्ट, ठीक है, और उसमें हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर नहीं आया, तो हमने ये यहाँ पे इन्फर किया कि सोडियम आइंस, पोटेशियम आइंस, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम आइंस जो है वो एबसेंट हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और ड्राई टेस्ट किया, इसमें हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड डाल लिया, देन हमने इसके अंदर क्या डाला, कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला, ठीक है। तो ये हमारे पास पिंकिश सा, लाइट पिंकिश सा सोल्यूशन बन गया। देन हमने क्या किया, एक इसके अंदर हमने ये पेपर डिप किया है, फिल्टर पेपर, ठीक है, और इसको हमने फिर सुखा लिया, फिर इसको हमने जो है वो इसकी एशेस बर्न टू एशेस, ठीक है, उस एशेस को कलेक्ट किया, हमने उसका कलर नोट किया। ये हमारे पास यहाँ देखिए ग्रीन कलर की एश आ गई है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करते हैं जिंक आइंस की प्रेजेंस को, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट एश फिल्टर एश टेस्ट को, ठीक है ना, यानी कि हमने ऑब्जर्व की ग्रीन एश और हमने इन्फर किया जिंक आइंस इंडिकेटेड। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, डायल्यूट एसीएल डाला, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, इसमें से हमने हाइड्रोजन सल्फाइड को पास किया, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप वन एंड देन ग्रुप टू रिस्पेक्टिवली दोनों ग्रुप्स जो है वो एबसेंट थे। देन हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला, हीट किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाला, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, ग्रुप थ्री भी एबसेंट था, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन था ना, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स तो नहीं आए, तो हमने क्या किया, इसके अंदर से H2S पास किया। एच टू एस पास करेंगे तो देखें ये सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर से हम एच टू एस पास कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है इसका यहाँ पे एच टू एस इसके अंदर, ठीक है, और हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास यहाँ पर ग्रुप फोर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, उस ग्रुप फोर का कोई बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। चलिए हम अपने प्रैक्टिकल नोटबुक की तरफ चलते हैं। तो फिर हमने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा कि जो हमारे पास प्रीवियसली सॉल्ट था, जो हमने ओरिजिनल सॉरी ओरिजिनल सॉल्यूशन जो था उसके अंदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला, हीट किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाला, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, लेकिन हमने जब उसके अंदर H2S पास किया तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए, और सॉल्ट भी हमारे पास इनिशियली कौन सा था, व्हाइट कलर का था, तो हमने देखा कि ये हमारे पास ग्रुप फोर इंडिकेट हुआ है और जिंक आइंस इंडिकेट हुए हैं। जिंक आइंस किस तरह से इंडिकेट हुए, क्योंकि ग्रुप फोर के जो बाकी हमारे पास बेसिक रेडिकल्स आते हैं, दैट इज कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का कोबाल्ट आइंस कलर इंपार्ट करते हैं सॉल्ट को, इसी तरह मैंगनीज होता है, मैंगनीज से लाइट पिंक सा कलर आता है, ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि निकल होता है, निकल से ग्रीनिश ब्लू से ग्रीन सा कलर आता है सॉल्ट में, तो हमने देखा कि वो सारे एब्सेंट थे, सॉल्ट तो व्हाइट था, तो इसलिए जिंक आइंस इंडिकेट हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंफर्म कर लेते हैं कि जिंक आइंस ही अभी तो इंडिकेट हुए ना, आइडेंटिफाई हुए, ठीक है, कि हमें डिटेक्ट करने कंफर्म करना है, तो दो कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर हम जिंक के कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, ये हमने इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ओरिजिनल सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और हम इसके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर बहुत ढेर सारा डालेंगे, देखेंगे यहाँ पे इसके और ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा डाला, देखें यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रही है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक्सेस में डाल देंगे, ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसके बाद एक्सेस में डाल लेते हैं और हम देखते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, अब देखें ये डिजोल्व होना शुरू हो गए, ठीक है, ये जो है हमारे पास यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो डिजोल्व करना शुरू हो गए, इसको हम स्टर भी करके देख लेते हैं, ये हम इसको स्टर कर रहे हैं और देखें ये आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व होते चले जा रहे हैं, ये देखिए ये डिजोल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो आहिस्ता 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 ये डिजोल्व कर गए, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये क्लियर सॉल्यूशन आता चला जा रहा है हमारे पास, हम इसको डिजोल्व कर रहे हैं तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए क्लियर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, तो ये क्या कंफर्म कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये जिंक आइंस की प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। एक और टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट, एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, पहले ओरिजिनल सोल्यूशन में थोड़े से इसके ड्रॉप्स डालेंगे, फिर एक्सेस में देख के इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो थोड़े से ड्रॉप्स डाले, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसके अंदर एक्सेस में अब जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे. तो हम एक्सेस में डाल रहे हैं तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व कर रहे हैं, नीचे बैठ गए हैं. तो हम जब इनको क्या करेंगे, स्टर करेंगे. अब इसके बाद हम इसको स्टर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको स्टर कर लेंगे और ये प्रेसिपिटेट्स जो है वो उसके डिजोल्व कर जाएंगे. ये देखिए एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी प्रेसिपिटेट्स डिजोल्व करके थे, एक्सेस अमोनिया एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में भी ये क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं. तो ये क्या इंडिकेट करता है, जिंक की प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है और कंफर्म करता है. बैक टू आवर प्रैक्टिकल नोटबुक, इसमें हम देखते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट हम लिखेंगे और उसमें हमने फर्स्ट वन क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑरिजिन सॉल्यूशन में एक्सेस में डाला, हमने देखा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए जो कि डिजोल्व कर गया, एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कर गया, इससे हमें जिंक की प्रेजेंस का पता चला, ठीक है, कन्फर्म हुआ. देन हमने एक और टेस्ट किया, उसमें ऑरिजिनल सोल्यूशन में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स डाले यानी कि, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर एक्सेस में डाल दिया. तो पहले इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने, लेकिन जब हमने एक्सेस में डाला तो सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स उसमें डिजोल्व कर गए, तो इससे भी जिंक कन्फर्म हुआ. और थर्ड हमने फिल्टर एश टेस्ट, जो ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स किया था, इसको भी हम कंसिडर करते हैं एज कन्फर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि इससे हमें एक अच्छी इंडिकेशन, एक स्ट्राइकिंग इंडिकेशन हो जाती है ऑफ द बेसिक रेडिकल, क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्रीन एश आई थी तो जिंक कन्फर्म हो गया. ठीक है, इस तरह यहाँ पर हमने तीन कंफर्मेटरी टेस्ट देखे और हमारे पास जो व्हाइट सॉल्ट हमें प्रोवाइड किया गया था, हमने उसमें क्या डिटेक्ट किया, हमने उसमें से जिंक को डिटेक्ट किया. अब हम क्या करते हैं, एक और व्हाइट सॉल्ट हमें प्रोवाइड किया गया, तो इसमें से भी हम बेसिक रेडिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं. सॉल्ट व्हाइट है, ठीक है, तो कलर इम्पार्टिंग बेसिक रेडिकल्स एब्सेंट हैं, सॉल्ट ओडोरलेस है, तो हमारे पास अमोनियम आयन भी एब्सेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम टेस्ट में कोई कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर नहीं आया. ठीक है, देन हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन मौजूद है, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड भी डाल लिया. ठीक है, देन हमने इसके अंदर कोबाल्ट नाइट्रेट डाला और हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया. अब इस सॉल्यूशन में हम फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, ये हम फिल्टर एश टेस्ट कर रहे हैं. फिल्टर पेपर को डिप किया, ठीक है, इस सॉल्यूशन में ये पिंकी सॉल्यूशन फिल्टर पेपर पे आया, इसको ड्राई किया और उसके बाद बर्न कर दिया टू एशेज. ठीक है, जब इसकी एश आई, उसका कलर नोट किया, तो हमारे पास इसका कलर कौन सा आया, यहाँ पर हमारे पास पिंकिश कलर आया. अच्छा, पिंक एश जो है वो क्या आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करती है, ये या इंडिकेट करती है, ये मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर मेंशन कर दिया कोबाल्ट नाइट्रेट फिल्टर एश टेस्ट में कि हमने ऑब्जर्व क्या किया, पिंक एश, और इन्फर क्या करेंगे कि मैग्नीशियम आयंस जो है वो इंडिकेट हुए हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. हमने यहाँ पर क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें डायरेक्ट एचसीएल डाला, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए. ठीक है, ग्रुप वन एब्सेंट. उसी सॉल्यूशन में से H2S पास किया, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, ग्रुप टू भी एब्सेंट. उसके बाद हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला और अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद एक्सेस में डाल दिया, फिर भी कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, ग्रुप थ्री भी एब्सेंट. फिर इस सॉल्यूशन में हमने H2S पास किया, कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, ग्रुप फोर भी एब्सेंट. उसके बाद हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला, हीट किया, उसमें सोडियम उसमें फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाला, और उसके बाद हमने क्या किया, कोई प्रेसिपिटेट्स तो नहीं आए, लेकिन जब हमने उसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट डाला तब भी हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए, तो ग्रुप फाइव भी एबसेंट. तो डेफिनेटली अगर फर्स्ट फाइव ग्रुप एबसेंट है तो ग्रुप सिक्स बच जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं, और हम अमोनियम आइंस को भी उसी में रख लेते हैं. तो इसका मतलब है ग्रुप सिक्स इंडिकेट हुआ है, और ग्रुप सिक्स में हम देखते हैं कि जब हमने उनके अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं, तो हमने सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास फिल्टर एश टेस्ट से मैग्नीशियम आयंस है वो इंडिकेट हुए थे, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि पहले से ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हम सिक्स ग्रुप के हम रिएजेंट्स पे पहुंचेंगे तो हम ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, उसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे और हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए ताकि मैग्नीशियम आयंस जो है ऑफ ग्रुप सिक्स आइडेंटिफाई हो जाए या इंडिकेट हो जाए. अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का सॉल्यूशन हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए. ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए, इनकी फॉर्मेशन क्या यहाँ पे इंडिकेट करती है, ये जो हमारे पास यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ गए, हम इस बीकर को नहीं देखेंगे, यहां से हमने डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का सोल्यूशन इधर डाला है इस ओरिजिनल सोल्यूशन में, और हमारे पास यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए. व्हाइट प्रेसिपिटेट्स क्या इंडिकेट करेंगे, मैग्नीशियम आइंस की प्रेजेंस को. हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं. कन्फर्म किस तरह करेंगे, दो टेस्ट परफॉर्म करेंगे. टेस्ट नंबर वन में हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है, और ये जो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है.
यहाँ से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मैग्नीशियम यहाँ पे जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है इसमें डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हम देखते हैं हमारे पास फॉरन से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी, जो कि क्या इंडिकेट करेगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस मौजूद थे जो सॉल्ट हमने यूज किया था. सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट में यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है जिसमें हमें लग रहा है और इंडिकेशन भी आना शुरू हो गई है मैग्नीशियम आयंस की. तो एक और टेस्ट से यहाँ कंफर्म करेंगे और हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा बीकर यहाँ रखा हुआ है इसके अंदर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन मौजूद है. ठीक है, ये सोल्यूशन हम इसके अंदर डालेंगे, हमारे पास यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो हम देखते हैं यहाँ पर जब हम इसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे, इसके अंदर ये हमने लिया सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का और हमने यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाला तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस को, बल्कि कन्फर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस को. तो पहले हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में देखा कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में जब हम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को डालते हैं यानी Na2HBO4 में ओरिजिनल सॉल्यूशन को ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए जो कि मैग्नीशियम आयंस को इंडिकेट किया. उसके बाद हमने कंफर्मेटरी टेस्ट किए जिसमें हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट. हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए, हमने कहा मैग्नीशियम आयंस जो है वो कंफर्म हो गए. और तीसरा कंफर्मेटरी टेस्ट भी हम चाहें तो लिख सकते हैं जो कि हमारे पास जो हमने ड्राई टेस्ट किया था फॉर बेसिक रेडिकल दैट इज फिल्टर एश टेस्ट, उससे हमारे पास पिंक कलर की एश आई थी और उससे भी कंफर्म हुए थे मैग्नीशियम आयंस. तो यहां पर हमने तीन कंफर्मेटरी टेस्ट किए और हमने यहां पर डिटेक्ट किया जो हमें व्हाइट सॉल्ट प्रोवाइड किया गया था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जहां पर, तो हमने देखा उसके अंदर जो सॉल्ट था वो व्हाइट कलर का था और उसके अंदर से हमने किसको इंडिकेट किया, हमने उसके अंदर से मैग्नीशियम आयंस को इंडिकेट किया है और डिटेक्ट किया है. तो यहां पर हमने दो सॉल्ट्स लिए, एक सॉल्ट में हमने क्या कंफर्म डिटेक्ट किया, हमने जिंक एज बेसिक रेडिकल डिटेक्ट किया और दूसरे में हमने मैग्नीशियम एज बेसिक रेडिकल डिटेक्ट किया.